गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो मैंने आपको क्या पढ़ाया था, मैं आपको जो आपको मैंने ठोसों के अंदर विद्युतीय गुण सारे पढ़ा दिए, ठीक है। उसके सारे लेक्चर्स खत्म हो चुके हैं, उनके नोट्स भी मैंने आपको नीचे अपलोड कर दिए हैं। अब मैं आपको करवा रहा हूँ जो लास्ट पार्ट बचा है आपका, वो क्या है, ठोसों के चुंबकीय गुण। क्या है? ठोसों में चुंबकीय गुण, ठीक है। क्या है? ठोसों में चुंबकीय गुण। अब ठोसों में चुंबकीय गुण क्या होते हैं, ठीक है। आपने अब तक पता नहीं क्या क्या पढ़ लिया है ठोसों के अंदर, सॉलिड स्टेट के पूरी कंप्लीट नॉलेज ले ली है। तो अब मैं आपको बता रहा हूं ठोसों के चुंबकीय गुण। अब ठोसों के अंदर चुंबकीय गुण क्या होते हैं, ठीक है। ये क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब ठोस है, सॉलिड है, तो उसके अंदर क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, गति करते हैं, उसके कारण ही वो क्या होते हैं, विद्युत के चालक होते हैं। ऐसा जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो क्या करते हैं, गति करते हैं। अब वो गति कितने दो तरह से करते हैं। पहला करेगा कक्षीय गति, कक्षीय गति। दूसरा कौन सी होती है, चक्रण गति, ठीक है। अब कक्षीय गति और चक्रण गति क्या है, आप बोलोगे एक एक वर्ड का मतलब आपको समझना अच्छे से, ठीक है। अब जो कक्षीय गति है, जो कक्षीय गति क्या होगी, जो हमारा मान लो ये एक एक्सिस है, इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन है वो ऐसे हैं कक्षा के अंदर। अब इधर भी इलेक्ट्रॉन होंगे, इसमें भी इलेक्ट्रॉन होंगे, इधर भी इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है। ये जो इलेक्ट्रॉन है ये क्या है, इस कक्षा के अंदर गति करेंगे चारों तरफ ऐसे, मतलब ऐसे गति करेंगे, या फिर ऐसे करेंगे लेकिन एक ही दिशा में गति करते रहेंगे ऐसे, ठीक है। तो इस जो कक्षा के अंदर गति होती है उसे क्या आप कहते हैं, कक्षीय गति। दूसरा कौन सा है, चक्रण गति। इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन है ना हमारा, ये एक इलेक्ट्रॉन ले लो, ये एक इलेक्ट्रॉन ऐसे, जो एक इलेक्ट्रॉन है वो क्या करता है, खुद भी गति करता रहता है। जैसे मैं आपको बताऊं एग्जाम्पल के तौर पर, जो हमारा आप ले लीजिए पृथ्वी ले लीजिए, ठीक है। अब पृथ्वी क्या करती है, खुद भी गति करती है, और वो क्या, सूर्य के चारों ओर भी गति करती है। सूर्य के चारों ओर वो एक निश्चित कक्षा के अंदर गति करती है, तो उससे तो क्या बोलेंगे हम, कक्षीय गति, ठीक है। और जो खुद की अक्ष पर घूमती है ना, कितने 24 घंटे के अंदर घूमती है एक बार, तो एक चक्र पूरा लगाती है, तो उसे क्या कहते हैं हम, चक्रण गति कहते हैं। और इसको कितना, कक्षीय गति, सूर्य ये मान लो बीच में सूर्य है, उसके चारों तरफ गति करेगी, उसे कितना 365 दिन लगते हैं, ठीक है। तो ये उसकी कक्षीय गति हो गई, ये उसकी चक्रण गति हो गई। अब जो ये जो गति करता है इलेक्ट्रॉन, उसके कारण क्या होता है, उसमें चुंबकीय गुण आ जाते हैं। जो इलेक्ट्रॉन गति करेगा तो उसके अंदर क्या है, वो चुंबकीय गुण आ जाते हैं, वो एक चुंबक की भांति व्यवहार करने लग जाता है, ठीक है। तो वो चुंबक की भांति व्यवहार करेगा, तो उसे हम कितने भागों में बांट दिए, पांच भागों में बांट दिए, कितने भागों में, पांच भागों में, ठीक है। अब कौन कौन से है वो, पहला है अनुचुंबकीय, ठीक है। चुंबकीय को हम क्या बोलते हैं, पैरामैग्नेटिक, पैरा मैग्नेटिक, ठीक है। अनुचुंबकीय हो गया पैरामैग्नेटिक, दूसरा हो गया प्रतिचुंबकीय, प्रतिचुंबकीय, ठीक है। प्रतिचुंबकीय क्या हो गया हमारा, डायामैग्नेटिक, डाया मैग्नेटिक। आपको ये जो नाम है ये आपके एग्जाम्स में भी बहुत पूछा जाता है, बहुत 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 ज्यादा पूछा जाता है, ठीक है। तो आपको इनका मतलब आना चाहिए भाई, इंग्लिश में भी क्या बोलते हैं, हिंदी में भी। आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट है, इसका ये मतलब नहीं है कि आपको बिल्कुल भी नहीं आता, नहीं तो आप आगे बहुत ज्यादा आपको दिक्कत आएगी। आपको हल्का हल्का आइडिया होना चाहिए कि भाई बेसिक्स में बोलते क्या क्या है इनको, ठीक है। अनुचुंबकीय, प्रतिचुंबकीय, तीसरा कौन सा हो गया, लघुचुंबकीय, लघु चुंबकीय, उसको क्या बोलते हैं, फेरोमैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक, ठीक है। तीन टाइप हो गए, चौथा टाइप कौन सा हो गया, लघु, लघु चुंबकीय है ना, लोह चुंबकीय, सॉरी ये कौन सा हो गया, लोह। मेरे को हिंदी में ज्यादा दिक्कत आती है, आपको इंग्लिश में आती होगी, मुझे हिंदी में थोड़ी ज्यादा दिक्कत आती है, मुझे इंग्लिश में तो सारे नाम पता है, ठीक है। वो क्या हो गया, फेरो, उसमें आर भी डबल बार आएंगे, ठीक है, फेरोमैग्नेटिक हो गया वो। और ये क्या है, लघु लोह चुंबकीय, लघु लोह चुंबकीय,
ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, लघु लघु चुंबकीय को, फेरी मैग्नेटिक, वो फेरो मैग्नेटिक है, ये क्या होंगे, फेरी मैग्नेटिक, एफ ई डबल आर आई मैग्नेटिक, ठीक है, ये है फेरी मैग्नेटिक। ये कौन सा पार्ट हो गया हमारा, चौथा पार्ट। और जो हमारा पांचवा पार्ट है वो क्या होगा, प्रतिलोह चुंबकीय, ये प्रति चुंबकीय है, वो क्या होगा, प्रति लोह चुंबकीय, ठीक है, प्रति लोह चुंबकीय, उसे हम क्या बोल देंगे, एंटी फेरोमैग्नेटिक, एंटी फेरो मैग्नेटिक, ठीक है, उसे हम क्या बोल देंगे, एंटी फेरोमैग्नेटिक। आया, कितने भागों में बांटा, अनुचुंबकीय, प्रतिचुंबकीय, लोह चुंबकीय, लघु लोह चुंबकीय और प्रतिलोह चुंबकीय, ठीक है। ये लोह चुंबकीय के आप दो पार्ट ही समझ सकते हो इन दोनों को, वैसे तो मेनली तीन तरह के ही बोल सकते हो आप, कि भाई अनुचुंबकीय, प्रतिचुंबकीय और लोह चुंबकीय, लेकिन ये हम पूरे पांच भागों में डिवाइड करके मान के चलते हैं, ठीक है। तो मुख्यतः कितने, पांच भाग हो गए, और ये आपको पांच भाग मैंने बता दिया। अभी इनके बारे में मैं आपको आगे बताता हूं, उससे पहले आप एक चीज और समझ लीजिए, जो हमारे चुंबकीय गुण होते हैं उसका आप कैसे निकालोगे चुंबकीय गुण, ठीक है, जो उसके ये होता है म्यू, इसको किससे लिखते हैं, म्यू, चुंबकीय गुण, ठीक है। जो चुंबकीय गुण होता है म्यू, इसको क्या बोलते हैं हम, चुंबकीय आघूर्ण, चुंबकीय आघूर्ण, ठीक है। इसका सूत्र क्या होता है, म्यू बराबर अंडर रूट एन एन प्लस टू, ठीक है, बोर मैग्नेटोन, बोर मैग्नेटोन, ठीक है, इसकी इकाई होती है, वो आपको नोट्स में अवेलेबल करवा दूंगा मैं। म्यू बराबर क्या होता है, अंडर रूट एन एन प्लस टू बोर मैग्नेटोन। अब ये जो एन है, आप एन बोलोगे, एन क्या होते हैं, ये क्या होते हैं, अनपेयर इलेक्ट्रॉन, एन पी ए आर आई ई डी, ठीक है, अनपेड इलेक्ट्रॉन, मतलब कि अयुग्मित, अयुग्मित, ये आई आगे आएगा, ठीक है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, ठीक है, जो हमारे एन है वो क्या है, अयुग्मित। अब अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कैसे निकालोगे आप, जब आप किसी भी चीज का निकालोगे, जैसे कार्बन है, कार्बन में क्या होते हैं, बाहर के कोश में कितने होते हैं, चार इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो अब आप जब चार भरोगे उसके अंदर, बाहर वाला कौन सा, पी कक्षक होता है, पी में तीन होते हैं, एक दो तीन और चार, तो इसमें दो इलेक्ट्रॉन क्या हो गए, अयुग्मित हो गए, युग्मित मतलब ऐसे ही वाले नहीं है, तो ये दो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हो गए किसमें, कार्बन में, ठीक है। तो ऐसे आप किसी भी चीज के लिए निकाल सकते हो, तो उसका उसमें रखिए मान, यहां दो आ गए तो दो की वैल्यू रखिए, दो 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 प्लस चार, चार दूने आठ, आठ हो गया, आठ का अंडर रूट निकालोगे तो कितना होगा, 2.87 के आसपास, तो वो आपका क्या हो गया, इसका चुंबकीय आघूर्ण, ठीक है, मैग्नेटिक मोमेंट भी लिख लीजिए आप इसको, मैग्नेटिक मोमेंट, ठीक है। तो इसका आपको पूरा समझ में आया, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, तो आपने उसका स्क्रीनशॉट ले लिया था। अब मैं आपको सबसे पहले बताता हूं, पहला कौन सा है हमारा, अणु चुंबकीय, अणु चुंबकीय। अब अणु चुंबकीय क्या होता है, ठीक है, सबसे पहले मैं आपको बताता हूं अनुचुंबकीय। अब अनुचुंबकीय क्या होता है, इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर जब हम किसी भी पदार्थ को, जो इसके अंदर अनुचुंबकीय जो पदार्थ होता है उसको हम किसमें लेके जाते हैं, विद्युत क्षेत्र के अंदर लेके जाते हैं, किसके अंदर लेके जाते हैं, विद्युत क्षेत्र के अंदर लेके जाते हैं, तो क्या होता है, तो वो विद्युत क्षेत्र के अंदर ले जाने पर ये क्या होते हैं, दुर्बल रूप से आकर्षित होते हैं। जैसे हम इसको किसी विद्युत क्षेत्र के अंदर लेके गए, जैसे ये विद्युत क्षेत्र है, ठीक है, ऐसे, ठीक है, तो इसके अंदर जैसे हम पदार्थ को लेके गए तो ये क्या है, इसकी तरफ दुर्बल रूप से आकर्षित होते हैं, क्या होते हैं, आकर्षित, आकर्षित, ठीक है, आकर्षित होते हैं, ठीक है। अब ये आकर्षित होंगे तो उससे क्या होगा, जो ये आकर्षित हुए तो उससे क्या होगा, ये क्या होते हैं, ये क्या कहलाते हैं, हमारे अनुचुंबकीय कहलाते हैं, ठीक है। और ये अनुचुंबकीय होते हैं, ये किसके कारण होते हैं, ये किसके कारण होते हैं, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन के कारण, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन के कारण, किसके कारण होते हैं, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन के कारण, ठीक है। अब अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कैसे होगा, मतलब कि मैंने आपको बताया ना अभी पहले बोर मैग्नेटिक, तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन जैसे कार्बन में मैंने आपको बताया उसमें दो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं,
ठीक है, तो वैसे ही उसमें जो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं उसके कारण क्या होता है, अनुचुंबकीय होता है, ठीक है, इसको पैरामैग्नेटिक भी बोलते हैं। और ये क्या होता है, जैसे आप इसको ये विद्युत क्षेत्र है इसको हटा दिया तो ये क्या फिर से चुंबक की तरह व्यवहार नहीं करेंगे, ठीक है, जैसे ही आप इसको विद्युत क्षेत्र में लेके गए तो ये चुंबक की आकर्षित होंगे, उससे क्या होंगे ये चुंबक की तरह व्यवहार करने लग जाएंगे, ठीक है, और जैसे ही आप इसका विद्युत क्षेत्र हटाओगे तो इसका चुंबकीय गुण वापस से गायब हो जाएगा, ठीक है, मतलब कि दुर्बल रूप से, ये क्या होते हैं दुर्बल रूप से, दुर्बल दुर्बल रूप से क्या होते हैं आकर्षित होते हैं, आया समझ में। और इसके उदाहरण क्या क्या हो गए, इसके उदाहरण हो गए O2, CO2+, Fe2+, CO2+ आदि, ठीक है, इसके उदाहरण क्या क्या हो गए, ये वाले हो गए, आया समझ में। अब आप बोलोगे कि Cu2+ में समझाइए कि भाई अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कैसे हुआ, इसमें बताता हूँ, इसमें Cu2+ मतलब कि क्या हो गया, इसके जो डी हैं उसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 9 इलेक्ट्रॉन होंगे। आपको इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालना, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना, हर तत्व का आपको आना चाहिए, ठीक है, तो इसके अंदर डी में कितने, 9 इलेक्ट्रॉन हो गए, बनाओ भाई साहब डी वाला, 1 2 3 4 और ये 5, अब 9 इलेक्ट्रॉन भरो, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, एक इलेक्ट्रॉन हमारे पास क्या बच गया, अयुग्मित, एक इलेक्ट्रॉन क्या बच गया, अयुग्मित। ऐसे आप Fe2+ निकाल लो, किसी में भी निकाल लो, आपके अयुग्मित इलेक्ट्रॉन रहेगा। ये जो एग्जांपल्स हैं ये इसके आपके उदाहरण हो गए। अब दूसरा कौन सा है, अनुचुंबक के आगे समझ में, ये क्या होते हैं आकर्षित होते हैं, ठीक है, अब दूसरा मैं आपको बताता हूं कौन सा, अनुचुंबक हो गया, अब है प्रतिचुंबकीय, प्रतिचुंबकीय, ठीक है, ये क्या होता है डाया, आप सिंपल ऐसे डाया इसको बोलते हैं पेरा, ये आपके बहुत ज्यादा काम आएंगे, आपके क्वेश्चंस आते हैं बोर मैग्नेट वो जो सूत्र लिखवाया है आपको, लेकिन वो सूत्र हर जगह फॉलो नहीं होता, वो हर जगह नहीं मतलब मैक्सिमम केस में वो आपका चल जाता है, लेकिन जहां पर आप जैसे एफ ब्लॉक के लिए निकालोगे, एफ ब्लॉक में कौन सा, वो सीने पर नदी प्रेम के समा, यू गदगद तब्दिल हुआ और तुम ये भी लो, ऐसे करके वो पूरी सीरीज है ना वो वाली, लेंथेनाइड एक्टिनाइड्स वो वाली, उसके अंदर आपके ये वाला सूत्र जो मैंने आपको बताया है N+2 का अंडर रूट, वो वाला सूत्र फॉलो नहीं होता, उसके लिए अलग से सूत्र आता है, लेकिन आपके वो निकालने का अभी नहीं आता, वो जब आप BSc करोगे उसके अंदर आपका आएगा, मतलब आप MSc BSc उसके अंदर करते हो तो उसके अंदर वो चीजें पूछी जाती है, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ प्रतिचुंबकीय, उसमें क्या होता है जब आप इसको विद्युत क्षेत्र के अंदर लेके जाते हैं तो ये क्या होते हैं दुर्बल रूप से प्रतिकर्षित, ये क्या होते हैं दुर्बल रूप से प्रतिकर्षित, ठीक है, दुर्बल रूप से प्रतिकर्षित होते हैं, ठीक है, प्रतिकर्षित मतलब कि दूर जाते हैं, आकर्षित मतलब एक दूसरे के पास में आते हैं, ठीक है, उसके अंदर भी वही है, आप जैसे विद्युत क्षेत्र हटाओगे ये फिर से चुंबक की तरह व्यवहार गुण नहीं दर्शाएगा, ठीक है, ये चुंबक की तरह गुण नहीं दर्शाता, और ये किसके कारण होता है युग्मित इलेक्ट्रॉनों के कारण, युग्मित इलेक्ट्रॉन के कारण, ठीक है, ये अयुग्मित इलेक्ट्रॉन के कारण था, ये किसके कारण होगा युग्मित इलेक्ट्रॉन के। अब इसके उदाहरण क्या क्या हो गए, इसके उदाहरण Cu+, ये Cu2+ था, ये Cu+ होगा, मतलब कि इसमें क्या हो जाएगा D10 हो जाएगा, मतलब कि जो एक डब्बा खाली बच गया था वो भी पूरा का पूरा भर जाएगा, 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन उसका और एग्जाम्पल बताता हूँ मैं आपको, Zn2+ और Cd2+, Zn2+ और Cd2+, और भी आप सारे बना सकते हो जिस जिसमें अयुग्मित नहीं है, मतलब कि जिस जिसमें युग्मित इलेक्ट्रॉन है वो सारे आपके पैरामैग्नेटिक की तरह व्यवहार दर्शाएंगे, ठीक है, तो आपको अनुचुंबकीय और प्रतिचुंबकीय समझ में आया, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, तो आपने उसका स्क्रीनशॉट ले लिया था। अब मैं तीसरा बताता हूं आपको, दो पढ़ लिए हमने अनुचुंबकीय और प्रतिचुंबकीय, अब हम पढ़ते हैं लोह चुंबकीय, ठीक है, लोह चुंबकीय, ये क्या होता है, ये अनुचुंबकीय जैसा ही होता है, मतलब होता तो आकर्षित ही होता है लेकिन ये प्रबल रूप से होता है, ठीक है, जब आप इस वाले पदार्थ को किसके अंदर लेके जाते हैं चुंबकीय क्षेत्र में लेके जाते हैं तो क्या होता है ये प्रबल रूप से आकर्षित होते हैं, किससे, प्रबल रूप से, इसमें लिख लीजिए प्रबल आकर्षित, ठीक है, प्रबल रूप से आकर्षित होते हैं, और जब आप इसका विद्युत क्षेत्र हटा भी लेते हैं ना तो भी ये चुंबक की तरह ही व्यवहार करते हैं, मतलब कि आप पहले उसमें अनुचुंबकीय में हटाते थे तो वो चुंबकीय गुण गायब हो जाता था,
ठीक है, इसमें ऐसा नहीं होता, इसमें फिर भी वो चुंबक की तरह परमानेंट चुंबक ही बन जाते हैं वो, ठीक है, इसमें चुंबकीय गुण गायब नहीं होते, ठीक है, ये चुंबकीय गुण दर्शाते हैं। अब इसके अंदर क्या होता है बताऊं, क्यों होता है ये, इसके अंदर ऐसा होता है जैसे इसके अंदर जैसे ये डोमेन है, ये कैसे भी हुए बोले ऐसे है, ठीक है, ऐसे जैसे ये पूरा है, इसके अंदर मान लो ऐसे है ये, तो ये क्या होंगे, जैसे आप इसको चुंबकीय क्षेत्र में लेके जाओगे ऐसे, तो ये क्या होते हैं सारे के सारे ऐसे हो जाते हैं, एक ही दिशा के अंदर ये व्यवस्थित हो जाते हैं, ठीक है, जैसे आप इसको चुंबकीय क्षेत्र में लेके गए तो ये क्या है एक ही दिशा में व्यवस्थित हो गए। अभी क्या है ये डोमेन, इनको क्या बोलते हो आप, डोमेन बोलते हो, डोमेन, डोमेन लिख लीजिए आप ऐसे, डोमेन, ठीक है, इसको आप क्या बोलते हो, डोमेन बोलते हो। ये क्या होते हैं, जब इसको आप चुंबकीय क्षेत्र में लेके जाते हो तो ये क्या चुंबक की तरह व्यवहार करने लग जाते हैं, ठीक है, और ऐसे चुंबक की आप चुंबकीय क्षेत्र हटा भी लो फिर भी ये चुंबक रहेगी। आपने देखा होगा लोहे के अंदर आप जैसे उसको करते हैं चुंबकीय क्षेत्र में बहुत टाइम तक रख देते हैं बहुत प्रबल में, तो वो चुंबक की तरह व्यवहार दर्शाने लग जाता है। तो आपकी जो परमानेंट चुंबक होती है वो कुछ ऐसे तरह ही बनाई जाती है, ऐसे समझ में, और वो ऐसे ही होती है। अब इसके उदाहरण क्या क्या हो गए, इसके उदाहरण, उदाहरण में आपको इसके देख के बताता हूँ, Fe2O3 Cr2O3 मतलब कि फेरस का ऑक्साइड और क्रोमियम का ऑक्साइड, Fe2+ और Fe3+, Fe2+ और Fe3+, ये आपके सारे क्या हो गए इसके आदि, ये आपके किसके जो लोह चुंबकीय है उसके आपके उदाहरण हो गए। अब मैं आपको उसके आगे का करवाता हूँ, लोह चुंबकीय आपको समझ में आया, इसमें चुंबक की तरह ही रहेगा, ठीक है, इसमें डोमेन होता है वो क्या होते हैं अव्यवस्थित होते हैं, अव्यवस्थित जैसे आप चुंबकीय क्षेत्र में लेके गए सारे एक ही दिशा में व्यवस्थित हो गए, इनको क्या बोलते हैं आप, डोमेन बोलते हो, ठीक है। अब इसके आगे वाला बताता हूं मैं आपको, चौथा पार्ट, चौथा पार्ट कौन सा है, लोह चुंबकीय हो गया, अब क्या कौन सा, लघु, लघु लोह चुंबकीय, ठीक है, लघु लोह चुंबकीय। अब उसके अंदर क्या होता है, सेम ऐसा ही होता है लेकिन लघु, लघु मतलब थोड़ा ही होता है, इसमें इसमें भी अव्यवस्थित होते हैं, लेकिन जैसे ही आप इसको चुंबकीय क्षेत्र में लेके जाते हो तो सारे के सारे नहीं होते, इसके सारे के सारे जैसे ही आप चुंबकीय क्षेत्र में लेके गए ऐसे, तो इसमें जो सारे के सारे जो होते हैं वो एक ही दिशा में व्यवस्थित नहीं होते, कुछ एक क्या होते हैं विपरीत दिशा में व्यवस्थित हो जाते हैं ऐसे, जैसे दो ऊपर है तो एक नीचे, एक निश्चित पैटर्न में होता है ऐसे, दो ऊपर है तो एक नीचे ऐसे ऐसे चलता रहता है, ऐसे नीचे भी आप बना लेना। तो इसमें क्या होता है जब आप इसको चुंबकीय क्षेत्र में लेके गए तो जो क्या होता है जैसे दो ऊपर एक नीचे, दो ऊपर एक नीचे, ऐसे कुछ भी व्यवस्था होती है लेकिन वो एक निश्चित व्यवस्था में होते हैं, ठीक है। अब क्या होता है, ये खींच रहा है ऊपर की साइड, ये खींच रहा है नीचे की साइड, तो ये दोनों कैंसिल आउट, ये खींच रहा है ऊपर की साइड, ये खींच रहा है नीचे की साइड, ये कैंसिल, ये कैंसिल, तो इसमें से क्या होते हैं कुछ जो चुंबकीय आपके जो डोमेन होते हैं वो क्या हो जाते हैं कैंसिल, कुछ चुंबकीय आघूर्ण क्या होता है निरस्त हो जाता है, निरस्त हिंदी में वस्त वर्ड है ये, निरस्त, ठीक है, कुछ क्या हो जाते हैं निरस्त हो जाते हैं मतलब कि कैंसिल हो जाते हैं, ठीक है। अब ये ऊपर की साइड खींच रहा है नीचे के, दोनों के आप ऐसे विपरीत दिशा में खींचोगे तो वो कैंसिल ही होगा ना, किधर ही नहीं जाएगा, ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं लघु लोह चुंबकीय। अब इसके उदाहरण क्या क्या हो गए, आपके ये एग्जाम्पल्स बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपके हर पेपर में पूछ ही लिए जाते हैं, चाहे आप कोई सा भी पेपर दीजिए, आप IIT JEE का दीजिए, नीट का दीजिए, चाहे कोई से भी पैरामेडिकल एम्स वगैरह वगैरह जितने भी पेपर्स हैं सबका दीजिए आप, उसके अंदर सबके अंदर आपके हेल्प करते हैं ये, ठीक है। इसके एग्जांपल्स क्या क्या हो गए, MnO MN2O3 और बता देता हूँ Cr2 NiO आदि, ठीक है, और भी आपको नोट्स के अंदर मिल जाएंगे। तो आपको ये चौथा कौन सा हो गया, लघु लोह चुंबकीय। अब लास्ट वाला पार्ट है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं लास्ट वाला बताता हूँ, प्रतिलोह चुंबकीय, ठीक है। तो आपने उसका स्क्रीनशॉट ले लिया था, अब आपका लास्ट पार्ट बचा है, लास्ट पांचवा कौन सा है, प्रतिलोह चुंबकीय, प्रतिलोह चुंबकीय, ठीक है। ये लोह चुंबकीय की दो भाग मान सकते हो आप, कौन सा लघु लोह चुंबकीय और प्रतिलोह चुंबकीय। तो अब कौन सा है, प्रतिलोह चुंबकीय। इसके अंदर क्या होता है, वही चीज वही डोमेन होते हैं अव्यवस्थित, फिर आप उसको विद्युत क्षेत्र में रखते हैं तो क्या होते हैं निश्चित दिशा में व्यवस्थित हो जाते हैं, निश्चित क्रम में। इसमें क्या होता है, जो आपने लघु लोह चुंबकीय पढ़ा था उसमें क्या होता है, कुछ एक क्या हो जाते हैं विपरीत दिशा में भी हो जाते हैं, कुछ
ज्यादा नहीं, कुछ थोड़े बहुत ही होते हैं, ज्यादा नहीं होते। इसके अंदर क्या होते हैं, सारे के सारे विपरीत दिशा में हो जाएंगे, मतलब कि एक ऊपर तो एक नीचे, एक ऊपर एक नीचे, एक ऊपर तो एक नीचे, एक ऊपर तो नीचे, ऐसे ऐसे आप विद्युत क्षेत्र में चलता जाएगा। उसके कारण क्या होता है, ये पूरा का पूरा निरस्त हो जाता है। तो इसमें चुंबकीय जो गुण होता है वो आपका निरस्त हो जाता है। ठीक है, अब इसके एग्जाम्पल्स क्या होते हैं, इसके एग्जाम्पल्स में आपको बता देता हूं, उदाहरण ठीक है, Fe2O3, ठीक है, Fe3O4 है, सॉरी Fe3O4। दूसरा कौन सा है, MgFe2O4, MgFe2O4। और कौन सा है, ZnFe2O4, ZnFe2O4 आदि। ठीक है, ये क्या आपके इसके सारे एग्जाम्पल्स हो गए। आप एग्जाम्पल्स को अच्छे से याद कर लीजिए, ठीक है, मैंने भी याद किए हैं, लेकिन कभी कभी ऐसे आपको कंफर्म कहीं कोई ये 2, 4 में गलती हो जाती है, इसलिए देख के बता देता हूँ। ठीक है, तो प्रतिलोह चुंबकीय के आपके एग्जाम्पल इसमें क्या होते हैं, पूरे के पूरे विपरीत दिशा में हो जाते हैं, एक ऊपर एक समांतर क्रम में, विपरीत दिशा में, समांतर क्रम में विपरीत दिशा में। ठीक है, एक दूसरे के समांतर भी तो है ना, और क्या है, एक दूसरे के विपरीत भी है। ठीक है, तो वो क्या हो गया हमारा, प्रतिलोह चुंबकीय। तो आपकी चुंबकीय गुण वाला पार्ट खत्म हो चुका है। अब आपको एक टॉपिक और बचा है, वो कौन सा है, पराविद्युतता, परा विद्युतता, विद्युतता। ठीक है, इसको भी मैं आपको इसी में करवा देता हूँ, क्या अलग से वीडियो बनाता हूँ, छोटा सा 2-4 मिनट के वीडियो से। आप ही बोलते हो छोटे छोटे वीडियो मत बनाओ, तो मैं इसी के अंदर आपको करवा देता हूँ। अब पराविद्युतता क्या होती है, ठीक है, नाम थोड़ा भारी है इसका, पराविद्युतता। ठीक है, अब पराविद्युतता क्या होती है, जब आप किसी क्रिस्टल को या तो गर्म करते हैं या फिर क्या करते हैं, ठंडा करते हैं। ठीक है, तो दोनों में से कुछ भी चीज कर लो, तो उसके अंदर क्या हो जाती है, क्या हो जाती है उसमें, अस्थाई वोल्टता, गर्म या ठंडा करने पर क्या हो जाती है, अस्थाई वोल्टता, अस्थाई वोल्टता क्या हो जाती है, अस्थाई वोल्टता उत्पन्न हो जाती है, उत्पन्न। ठीक है, अस्थाई वोल्टता क्या हो जाती है, उत्पन्न हो जाती है। अब अस्थाई वोल्टता क्या होगी, उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो ऊपर नीचे ज्यादा या कमी के कारण, उसके अंदर क्या है, इलेक्ट्रॉन जो होते हैं उसके अंदर क्या होती है, वोल्टता, अस्थाई वोल्टता उत्पन्न होती है, मतलब पॉजिटिव नेगेटिव अलग अलग उत्पन्न हो जाते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, परावैद्युतता कहते हैं। अब परावैद्युतता, और एक दूसरा वर्ड और होता है, कौन सा होता है, ताप, तापीय विद्युतता। ठीक है, ये दोनों वर्ड्स क्या हैं, अलग अलग हैं। ठीक है, आपने दोनों के नाम सुने होंगे, तापीय विद्युतता भी आप बोलोगे ये क्या होता है, परावैद्युतता क्या होता है, जब आप इसको गर्म या ठंडा करोगे, जब आप इसको गर्म या ठंडा करोगे तो ये जो पूरा का पूरा क्रिस्टल ही क्या हो जाता है, परिवर्तित है। अगर ठोस अवस्था में है तो ये क्या, लिक्विड में आ जाएगा, ये गैस में हो जाएगा। ठीक है, परावैद्युतता में गर्म या ठंडा करने पर इसके जो आयंस, अस्थायी वोल्टता तो दोनों में ही उत्पन्न होती है, लेकिन ये तो क्या होता है, पूरा का पूरा परिवर्तित हो जाता है। और इसके अंदर क्या होगा, इसका केवल एक भाग या थोड़ा भाग, इसका कम भाग, थोड़ा भाग लिख लीजिए, थोड़ा भाग ही परिवर्तित होता है। थोड़ा भाग परिवर्तित मतलब कि जो थोड़ा भाग है उसका ताप अलग होगा, और जो दूसरा वाला भाग है उसका भाग, उसका जो तापमान है वो अलग होगा। तो ये ताप, ये अंतर होता है, ताप के अंदर अंतर होता है, मतलब थोड़े भाग का ताप अलग और दूसरे भाग का ताप अलग होता है, उसे हम क्या कहते हैं, तापीय विद्युतता कहते हैं। अब इसको आप समझने के लिए एक त्रिभुज जैसे बताते हैं, ठीक है, यहाँ क्या होता है, इसको आप ले लीजिए तापीय, ये वाले कोने को तापीय विद्युतता। ठीक है, ये कौन सा हो गया आपका, परावैद्युतता, परा विद्युतता। और ये क्या हो गया आपकी, गतिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा हमेशा ज्यादा ही होती है ना, इसलिए आपको ऊर्जा को ऊपर वाले क्रम में बता दिया है। तो ये वाले जो दोनों नीचे वाले कोने हैं, ये आपके तापीय विद्युतता और परावैद्युतता को परिवर्तित, मतलब प्रदर्शित करते हैं। इसके अंदर क्या होता है, अस्थायी वोल्टता, इन दोनों में क्या होती है, अस्थायी वोल्टता होती है। और ये जो ऊपर वाला है, ये आपकी गतिज ऊर्जा, मतलब कि जो इलेक्ट्रॉन जो गति करते हैं, कोई भी चीज गति करती है उसके अंदर जो ऊर्जा होती है उसे हम क्या बोलते हैं, गतिज ऊर्जा, या फिर काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी भी गतिज ऊर्जा ही होती है। ठीक है, और जो स्थितिज ऊर्जा होती है उसे पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं, आपको पता होगा। ठीक है, जो इसके अंदर अस्थायी वोल्टता उत्पन्न नहीं होती है। अब इसका उदाहरण देख लीजिए आप, ठीक है, उदाहरण हो गया गैलियम नाइट्राइड, गैलियम नाइट्राइड,
ठीक है, गैलियम नाइट्राइड। अब ये जो गैलियम नाइट्राइड है ये क्या होता है, ये आपका, आप बोलोगे कि ये चीज बताइए आपके ये क्या काम आती है। ये जो आपके ट्रांजिस्टर होते हैं ना विद्युत के वाले, आपने देखा होगा फिजिक्स में भी, आप जानते हो ट्रांजिस्टर क्या होता है, सब परतें होती है लोहे की, उसके अंदर बनाया जाता है, ठीक है। तो उसके अंदर आपके ये काम में आता है, ठीक है, किसके लिए, अस्थाई वोल्टता, उसके अंदर वोल्टता उत्पन्न करने के लिए। वोल्टता को फिर वो फिक्स तो उसके ट्रांजिस्टर के द्वारा कर दिया जाता है, ठीक है। जो वोल्टता उत्पन्न किसके द्वारा होती है, पराविद्युत, उसके अंदर आपका ये काम में आता है, आया समझ। तो मैंने आपको आपका पूरा चैप्टर करवा दिया है, आप बोल रहे थे ना पहला चैप्टर कब होगा कब होगा, आपका पूरा चैप्टर खत्म हो चुका है, खुश हो जाइए आप, ठीक है। तो इसके अलावा मैं एक वीडियो और बनाने की सोच रहा हूँ, वो उन बच्चों के लिए जो 12th के साथ साथ किसकी तैयारी कर रहे हैं, नीट या IIT JEE या फिर किसी भी अदर जो रिलेटेड एग्जाम्स होते हैं उनके लिए। अलग अलग कॉलेज होती है ना, जैसे वो पेपर लेती है खुद का, जैसे सेंट्रल यूनिवर्सिटी होती है वगैरह, बहुत सारी यूनिवर्सिटी होती है वो खुद का पेपर लेती है एंट्रेंस के लिए, आपको BSc कुछ भी करना हो, BTech करना हो किसी के लिए भी, ठीक है। तो उनके पेपर के लिए आपको मैं अलग से स्पेशल सेशंस, मैंने आपको समथिंग स्पेशल नाम से करवाया है, तो मैं आपको वो अलग से एक लेक्चर, मैंने आपको बीच में भी एक लेक्चर करवा दिया था, और हर लेक्चर के अंदर मैं आपको थोड़ा थोड़ा बताता ही रहता हूँ, तो वो एक लेक्चर और है उसके अंदर थोड़े से आपको अलग से इन्फॉर्मेशन मिलेगी। अगर आप केवल 12th के लिए कर रहे हो तो आपको यहाँ तक ही ठीक है, वो वीडियो आपको देखने की नीड नहीं है, लेकिन अगर आप बाद के लिए तैयारी कर रहे हो तो आपको वो वीडियो जरूर देखना चाहिए, और मैं तो बोलता हूँ सभी देखें, ठीक है। क्योंकि आपको टॉपिक की जितनी ज्यादा और जितनी अच्छे से नॉलेज होगी ना उतना ही आपके लिए अच्छा है, आपको बाद में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। फिर आप कभी भी जिंदगी में ये नहीं बोलोगे कि हमने यार वो सर से पढ़ाता था उसने तो कुछ पढ़ाया ही नहीं था, ठीक है। मैं खुद के लिए भी बोलूंगा हमारे सर ने भी बहुत अच्छा पढ़ाया था, तो लेकिन फिर भी जो बेसिक्स आगे के लिए नीड होती है ना, आपको केवल 12th के लिए तो बहुत अच्छा पढ़ा दिया लेकिन आगे के लिए जो नीड होती है वो कंप्लीट नहीं हो पाती, ठीक है। तो मैंने आपको आगे के लिए भी एक नींव, आपकी जो बेसिक नींव होती है वो आपको मैं तैयार करने के लिए मैंने आपको करवाया है। तो आप सारे वीडियोस देखिए, सारे क्वेश्चंस कीजिए, और वीडियो को जितना ज्यादा हो सके अपने दोस्तों तक बताएं कि देखो ऐसा है यहाँ पढ़ाते हैं, आपको देखिए, अगर उनको अच्छा लगेगा तो वो खुद ही देख लेंगे आगे, उनको बताने की जरूरत ही नहीं है। मैंने शुरू के वीडियोस में आपको थोड़ी झिझक जैसी लगती होगी क्योंकि मैंने कभी कैमरा फेस नहीं किया था, अभी वो दिक्कत भी मेरी खत्म हो चुकी है, ठीक है। तो आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर जरूर और जरूर करें, और मैं एक दो दिन के अंदर ही सेकंड चैप्टर भी शुरू करवा दूंगा, इसके नोट्स आपको मिल जाएंगे साथ के साथ ही, ठीक है। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, थैंक यू।